तो गाइस ये मेरा बैकपैक है हिमालय एक्सेल का, तो मैं अगर इसको लेके बाहर घूमने जाऊँ तो मुझे दिक्कत आएगा किसको जो है कुछ ना कुछ जो है चीज़ जो है चोरी हो सकता है करके। तो अभी मैंने इसको लॉक लगा लिया, देख सकती हो। अभी मैं इसको जो है मेरा जो मेरा मास्टर किया है उसी से ओपन करने वाला हूँ। अब देखो ये देखो इस ओपन हो गया है। अगर कोई दूसरा बंदा इसको ओपन करने जाए गाइस तो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है, देखते हैं। ये देखो गाइस अगर मैं दूसरा अंगुली से ओपन करना चाहूँ या फिर दूसरा आदमी इसको ओपन करना चाहे तो ये नहीं होगा। देखो रेड कलर का ब्लिंक आ रहा है, मतलब नहीं है, ये रजिस्टर नहीं है, इसका ओनर कोई दूसरा है। चलो दूसरा उंगली से देखते हैं। देखो ये भी रेड कलर आ रहा है, देखो इसका मतलब का ये जो ताला का ओनर है कोई और दूसरा आदमी है। देखते हैं मेरा बेटी का उंगली से, देखो कोई और अनजान बंद इसको ओपन करना चाहे, ये देखो रेड कलर का ब्लिंक कर रहा है तो इसको आपको ओपन नहीं होगा। तो यही है सेफ्टी गाइस, स्मार्टफोन के ज़माने में, स्मार्ट टीवी के ज़माने में, स्मार्ट ज़िंदगी के ज़माने में जो है ये स्मार्ट लॉक आपका भी ज़िंदगी में चार चांद ला सकता है। ये देखो मेरा मास्टर की से ये खुल जाएगा, खुल जा सिम, हो गया सिम। बस अभी मैं इसको मेरा पैक को ओपन कर सकता हूँ। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुशी से होंगे, बहुत ही मजे से होंगे। और आज का ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है और बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त कमाल का काम करने वाला प्रोडक्ट है। ये है गाइस स्मार्ट लॉक, जो कि अपना फिंगरप्रिंट से गाइस ये जो है लॉक ओपन होता है। तो बहुत ही कमाल का गैजेट है, बहुत ही यूजफुल गैजेट है, बहुत ही स्मार्ट प्रोडक्ट है, जो कि मुझे लगता आप सभी का स्मार्ट घर के लिए, स्मार्ट चीज के लिए ये लॉक आपको बहुत ही काम में आएगा। स्मार्टफोन का जमाना है, स्मार्ट कंप्यूटर, स्मार्ट टैबलेट, स्मार्ट टीवी, तो इसी तरीके से स्मार्ट लॉक आपके पास है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। और ये मैंने मंगाया गाइस अमेजन से, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना और इस प्रोडक्ट को आप जल्दी से जल्दी खरीद सकती हो। ओके, ये तो निकल गया और यहाँ पे है गाइस वो ओरिजिनल प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे देखो अमेजन ने बाहर की तरफ और एक जो है कार्डबोर्ड से और पैकअप किया है। तो कार्डबोर्ड का हम हटाते हैं इसको जो है फिर, और यहाँ पे है गाइस वही वाला ओरिजिनल लॉक। ये गाइस वही है बॉक्स और यहाँ पे ये जो है ओपन है। ये देखो ये बॉक्स पहले से ही ओपन है, ये कोई सील पैकेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स ओपन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका पूरा का पूरा लुक और बॉक्स का ओवरव्यू। तो गाइस यही है मेरा हाथ में ये फिंगरप्रिंट लॉक, जो यहाँ पे देख सकती हूँ प्रोट्रोनिक्स की तरफ से है, बायो लॉक फिंगरप्रिंट पैड लॉक, योर फिंगर इज योर की, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। नो कीज रिक्वायर्ड, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजर, IP66 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, मतलब आपको धूल का एंड बारिश के पानी के लिए कुछ टेंशन तो नहीं है आपको। यहाँ पे लिखा है गाइस देख सकती हो कि सपोर्ट 40 फिंगरप्रिंट्स आप यहाँ पे सेट कर सकती हो। क्विक रिचार्जेबल बैटरी इन जस्ट 30 मिनट्स, कॉम्पैक्ट एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे प्रोट्रोनिक्स का लोगो रखा है, यहाँ साइड में लिखा है बिल्ट इन चिप एंड नो मोबाइल रिक्वायर्ड, LED इंडिकेटर सेफ एंड रिलायबल। प्रोट्रोनिक्स का वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया गया है, यहाँ पे बायोलॉक फिंगरप्रिंट पैडलॉक है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकती हो, 110 का लिथियम बैटरी है, जिंक एलॉय मटेरियल है, 30 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है और एक बार आप चार्ज कर लोगे एक 6 महीने तक जो है इसको आपको चार्ज करने का कोई भी जरूरत नहीं है। स्टोर अप टू 40 फिंगरप्रिंट्स, मतलब 40 फिंगरप्रिंट्स आप ऐड कर सकती हो। IP66 जो है डस्ट एंड वाटर प्रूफ है। इसका जो वेट है गाइस बहुत ही कम है, 60 ग्राम इसका वेट है। वर्क्स फॉर हैंडबैग्स, सूटकेस, कैबिनेट्स, बाइक्स, डोर्स, घर का डोर के लिए गाइस ये जो है बहुत ही छोटा बन जाता है। बट हाँ आप जो है अगर ट्रैवल में रहते हो तो ट्रैवल में ट्रैवल बैग के लिए, सूटकेस के लिए आप जो है इसको बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो है इसका MRP 2999। कंपनी का डिटेल्स गाइस आप चेक करके देख सकते हो, यहाँ 1 ईयर वारंटी के साथ आया है। यहाँ पे देखो व्हाट्सअप नंबर दिया है कंपनी वालों ने। अनबॉक्सिंग कर लेते हैं आप लोगों के सामने, इसको ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स नहायत ही बहुत छोटा है, मेरा हाथ के अंदर ही आ गया देख सकते हो, तो बॉक्स इतना छोटा है। तो ये जो है ओरिजिनल लॉक, इसको हम साइड में रखते हैं। और ये है बहुत ही मतलब किफ़ायती एक प्रीमियम वाला लुक वाला बॉक्स, आप देख सकती हो ये वेलवेट का मुलायम सा एक बॉक्स है, उसको हम ओपन करते हैं इस तरीके से। और पीछे में आपको मिलता है ये वाला चार्जिंग केबल। तो ये गाइस चार्जिंग केबल जो है अपना जो स्मार्टफोन का चार्जिंग है, सेम चार्जर है, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, चार्ज डाल सकते हो, कुछ इशू तो नहीं है। अंदर में आपको दिखने को मिलता है यहाँ पे स्कैन टू रजिस्टर वारंटी, मतलब इसको आप स्कैन करके लोगे तो आपको 1 साल का वारंटी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अंदर है ये बड़ा बहुत बड़ा सा एक बुक, जो कि लीफलेट, जो कि हर हमेशा की तरह हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, इसको हम साइड में रख देंगे। तो चलिए गाइस इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं इस कवर से। वाओ बहुत ही अच्छा पला एक जो है आपको हाथ के अंदर ही आ जाता है, बहुत ही छोटा बच्चा जैसा लग रहा है यार, देखो कितना छोटा सा है। तो छोटा है साइज में मगर काम बहुत ही बड़ा कमाल का है।
इसका जो बॉडी है गाइस वो बोला है कि जिंक मेटल से बना हुआ है बॉडी। यहाँ पे प्रोटोन इसका लोगो है, देख सकते हो बहुत ही एकदम ग्लॉसी फिनिशिंग है, चकाचक दिखने में आता है। और ये देखो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे चार्जिंग का सॉकेट दिया है जहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे है LED इंडिकेटर। तो गाइस ये चार्जिंग का केबल का जो लेंथ है बहुत ही छोटा है, मैंने इसीलिए मेरा जो मोबाइल का जो मेरा डाटा केबल है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। इसको आप ध्यान रखें जब आप इसको अनबॉक्सिंग करोगे ना ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसका चार्जिंग बहुत ही ऑफ रहता है, मतलब चार्जिंग उतना नहीं रहता है। पहले जब आप इसको काम करोगे तब जाके पहले आपको इसको चार्जिंग में डालना है, चार्जिंग में डालने के बाद ही जो है ऑन होता है, ठीक है। चार्जिंग डालने के बाद आप यहाँ पे उंगली प्रेस करोगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है, कि ये रिकॉग्नाइज कर पाता है या फिर नहीं। ये देखो गाइस बहुत ही झटक से होता है, मतलब एकदम मिली सेकंड्स के अंदर होता है। आप यहाँ पे देखो एक जो है लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, तो आप इसको इस तरीके से प्रेस करो तो ये क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज होगा तब यहाँ पे एक वाइब्रेशन भी आपको यहाँ पे हाथ के अंदर महसूस होगा। अच्छा फिर से जब ओपन करेंगे प्रेसर करेंगे और देखो एक सेकंड में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इस तरीके से ब्लू लाइट आ जाएगा, ठीक है। तो जब गाइस ये पहले आप अनबॉक्सिंग करते हो वहाँ पे क्या होता है, आपका कोई भी उंगली से ओपन हो जाता है, कोई भी उंगली से आप जिसको ओपन करोगे तो कोई भी उंगली से जो है ओपन हो जाता है। तो गाइस अभी ये देखो ये जो है कभी भी कोई भी उंगली से जो है रजिस्टर हो जाता है, बट आपको जो है सिक्योर करना है अपना उंगली से, तो आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। ये अभी यहाँ पे लॉक्ड है तो इसको रीसेट किस तरीके से करते हैं, पहला जो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसको आपको इस तरीके से प्रेस करते रहना है, ये देखो अभी ये मेरा जो उंगली है ये रजिस्टर हो चुका है। ये उंगली छोड़ के दूसरा उंगली मैं जाऊंगा उसमें से ये जो है लॉक ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ये गाइस लॉक है आपके सामने, देखो मैंने ये उंगली से मैंने रजिस्टर किया था, मैंने अभी ये उंगली से ओपन करना कोशिश करूंगा। ये देखो गाइस यहाँ पे मुझे रेड कलर का ब्लिंकिंग आ रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये अभी ओपन नहीं होगा, ये देखो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। और ये इस तरीके से देखो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी उंगली चाहे आप लगा लो गाइस ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना जो मास्टर उंगली है उसको आपने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है। और मेरा मास्टर उंगली कौन सा है, मेरा मास्टर उंगली जो है ये वाला है, मास्टर फिंगर्स, ठीक है। तो मैं इसको देखूंगा, ये देखो ओपन हो गया गाइस आपके सामने। फिर से ये करते हैं तो ये गाइस लॉक है आप लोगों के सामने है। फिर से देखो यहाँ पे देखो बहुत ही जल्दी फास्ट काम होता है यार ये, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों के लिए भी, आप लोगों का ट्रैवल्स के लिए भी बहुत ही एक जरूरी प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि जिस तरीके से जब हम ट्रैवल्स करते हैं ट्रैवल्स के टाइम पे कोई भी हमारी चीज़ चोरी हो जाता है बैग के अंदर से तो बहुत ही हमें तकलीफ आता है। तो आपको लिए ये आइटम जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आपके ट्रैवल को बहुत ही अच्छा मज़ेदार करने वाला है और आपको ये बहुत ही काम में आने वाला है। वीडियो का इसके लिंक भी दे दूँगा ताकि वहीं से लेकर आप जो है इसको खरीद भी सकते हो। तो मास्टर की से मैं फिर से अभी इसको ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। ओपन हो गया है, ये लॉक्ड है, अभी कोई भी उंगली से मेरा इसको जो है ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। ये देखो रेड कलर ब्लिंकिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसको रिसेट करने का फिर से क्या ऑप्शन है, फिर से इसको आप दबा के रखो उसके बाद जो मास्टर की है उसको डालो, उसको डालने के बाद आपको फिर से कोई भी दूसरा उंगली अगर आपको रजिस्टर करना है तो उसको आप उस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो नया से, ठीक है। तो इसी तरीके से करके गाइस आप जो है टोटल 40 फिंगरप्रिंट्स जो है आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, आपने देखे होंगे कि इस वीडियो में हमने बात किया है, हमने जो अनबॉक्सिंग किया है ये वाला जो है स्मार्ट लॉक का, जो कि पैड लॉक है, स्मार्ट पैड लॉक है। आपको क्या कहना है इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, मेरा जो रेटिंग है गाइस मैंने यहाँ पे 5 में से 4.5 देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है बट यहाँ पे आपको बहुत ही काम आता है गाइस, बिलीव मी ये बहुत ही आपको फायदा देने वाला है। स्मार्ट लॉक है, आप सभी के लिए रिकमेंडेड है, जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये जो इसका जो लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। इसका जो MRP है वो है 2999 बट मुझे मिला है अमेजन से 1849 से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ इस तरीके से नया टॉपिक से नया वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। थैंक यू, बाय बाय।